अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात, मैं हाफिज़ा मारिया असलम ATP उर्दू सेकेंड सेमेस्टर के पहले लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तालिबात, मीर तकी मीर की एक बड़ी मशहूर गज़ल आपके निसाब में शामिल है जो आज हम पढ़ेंगे। मीर तकी मीर की यह गज़ल पढ़ने से पहले मैं आपको मीर की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और उनका तारुफ जो है वो मुख्तसरन कराऊंगी, क्योंकि किसी भी शायर की उस्ताद तबा को समझने के लिए उस शायर के हालात व वाक़यात और उनकी उस्ताद तबा के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। मीर तकी मीर का असल नाम मीर तकी था और मीर उनका तखल्लुस था। 1723 में आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद एक दरवेश मनीष इंसान थे। वालिदा बचपन ही में वफात पा गईं और अभी 12 बरस ही के थे कि उनके वालिद भी फौत हो गए। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में मसाइब और आलाम का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया जो मरते दम तक जारी रहा। दिल्ली के हालात बहुत ख़राब हुए क्योंकि वो दिल्ली से ताल्लुक़ था मीर तकी मीर का। दिल्ली के हालात सियासी इक्तसादी सतह पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, मौशरती सतह पर बहुत दिगरगूँ हो गए, तो मीर तकी मीर दिल्ली में गोशा नशीन हो गए। उसके बाद आगरा चले गए। आगरा में भी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते दिखाई न दिए, तो मीर तकी मीर नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लखनऊ में 300 रुपये माहाना वजीफ़े पर जो है उन्होंने मुलाजमत इख्तियार कर ली। उनके दरबार से वाबस्ता हो गए। लेकिन मीर तकी मीर की तबीयत में एक खुदपसंदी थी जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक वो नवाब आसिफुद्दौला के साथ दरबारी शायर के तौर पे काम न कर सके। उन्होंने अपना ज़िंदगी का आखिरी ज़माना इंतहाई तंग दस्ती में गुजारा और 1810 में लखनऊ ही में उनकी वफ़ात हो गई। मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार दुख, दर्द, मसाइब, गम और आलाम देखे। गमे दौरा भी उन्हें लाहक रहा और गमे जाना की तकालीफ भी वो झेलते रहे। और मीर की जो शायरी है, उनके जितने भी दवावीन हैं, जो उनके दीवान हैं गज़ल के, जो भी उन्होंने शायरी तख्लीक की, उसमें वो तमाम दुख, दर्द और आलाम जो हैं अपने भरपूर अक्स के साथ हमें नज़र आते हैं जो मीर तकी मीर ने झेले। मीर तकी मीर की फ़िक्र पर अगर हम बात करें, या फ़िक्र की बजाय मुझे यूँ कहना चाहिए कि अगर हम उनके खसाइस शेरी पर बात करें, खसाइस कहते हैं ख़ास बात को, खसूसियत को, कि उनकी शायरी की खसूसियात पर अगर हम बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि मीर तकी मीर का अंदाज़े बयान इंतहाई सादा, जिसको उर्दू में एक इस्तलाह जो है वो राइज है, सहल मुमतना की इस्तलाह राइज है ऐसे सादा अशार के लिए जो मीर तकी मीर ने कहे। सहले मुमतना अशार, यानी ऐसे अशार जो नसर के करीब मालूम होते हों, जिनको पढ़ के आपको लगे कि ये शेर का, ये कोई शेर का मिसरा नहीं बल्कि नसर का एक जुमला है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो मिसराए मौजू बिल्कुल वज़न के मुताबिक शायरी पर पूरा उतरता है और वो नसर का जुमला कहलाने की बजाय शेर का मिसरा ही कहलाता है और पढ़ने वाले को लगता है कि ये कोई शायर ने कमाल नहीं किया, इस तरह का शेर तो मैं भी कह लूँ। मगर इतनी सादगी, उम्दगी और ख़ूबसूरती से आसान और सादा लफ्ज़ों में बड़ी बात कह देना मीर तकी मीर ही जैसे ही शायर को ज़ेब देता है। एक आम आदमी, एक कम फहम कम इल्म आदमी जो है वो इंतहाई सादा अल्फाज में बड़ी बात कहकर बड़ा शेर तख्लीक नहीं कर सकता। जैसा कि मैं एक मिसाल से आपको ये बात समझाती हूँ। मीर ही का एक शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब मीर का ये शेर इतना सादा और आसान है कि
सुनने वाले को या पढ़ने वाले को लगता है कि इस तरह का शेर तो मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन जब कोई फ़न न जानने वाला, शेर का फ़न न जानने वाला आदमी, कोई बेइल्म या कम फहम आदमी बैठकर इस तर्ज का शेर कहने की कोशिश करेगा तो वो मीर को दाद दिए बगैर नहीं रह सकेगा। मीर तकी मीर की शायरी की सबसे बड़ी खसूसियत जो है वो उनके अशार का सहल मुमतना होना है। दूसरी बात ये कि मीर तकी मीर के यहाँ आफाकियत मौजूद है। मैंने आप लोगों को पिछले दिनों जब शेरी इस्तलाहात पढ़ाई थी तो हमने आफाकियत और आलमगीरियत पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगु की थी, तो यकीनन आप लोग आफाकियत की इस्तलाह से वाकिफ़ हैं। मैं एक बार फिर आपको बताए देती हूँ कि ऐसा शेर जिसको पढ़कर लगे कि ये सिर्फ़ मीर तकी मीर या कहने वाले, शेर कहने वाले शायर के एहसासों जज्बात नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों के एहसासों जज्बात जो हैं वो इस शेर में मौजूद हैं, तो ऐसा शेर आफाकियत का हामिल शेर होगा। तो मीर तकी मीर का हर दूसरा शेर, उनके कलाम में आपको सैकड़ों ऐसे अशार मिल जाएंगे कि जो आफाकियत के हामिल अशार हैं। तीसरी बड़ी खसूसियत मीर तकी मीर की शायरी की ये है कि उनके अशार पुरदर्द होते हैं, ज़िंदगी की अलमनाकी का अक्स लिए हुए होते हैं, ज़िंदगी के वो दुख दर्द आलाम और मुसीबतें जो इंसान के सामने आएँ तो उसकी बसीरत की आँख खोल देते हैं, वो दुख जो आदमी पर कड़ी मुश्किलात का दर खोलने के साथ साथ हकीकतों के दरवाज़े भी खोल देता है। मीर तकी मीर उन तमाम दर्द और आलाम से वाकिफ़ हैं और उन अज़ियतों को झेल कर ज़िंदगी की शनासाई हासिल करने की रमज से भी वाकिफ़ हैं, और मीर ने यही तमाम जो चीज़ें हैं वो अपने अशार में भी बयान की हैं। उनके नफ्से मज़ामीन इस तरह की चीज़ों से भरे पड़े हैं। गमे दौरा और गमे जाना दोनों ही का अक्स मीर के यहाँ मौजूद है, ये बात बहुत अहम है। सियासी, इक्तसादी और मुआशी ज़बूहाली जो उन्होंने देखी तो उसका असर भी उनकी शायरी में मिलता है। अब हम मीर के महासिन कलाम और ख़सायस शेरी पर बात करने के बाद उस गज़ल की तरफ आते हैं जो आपके सिलेबस में शामिल है। मीर तकी मीर की एक बड़ी मशहूर गज़ल आपके निसाब में शामिल है। मैं आपको एक एक शेर बताकर साथ साथ उसकी तशरीह या शरह करवाती जाऊंगी, और ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में या यूट्यूब पर लेक्चर सुनने में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आप उस्ताद की बताई हुई बात को दो या तीन बार सुन सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप अपने पास कागज़ कलम लेकर बैठे। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि लेक्चर के दौरान जो सवालात भी आपके जहन में आएँ उनको एक कागज़ पर कलम बंद करते चले जाएँ, और लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप वो सवालात पूछ लें। अब चूँकि आप यहाँ पर सवाल तो मुझसे कर नहीं सकेंगे, तो मैं ये लेक्चर अपलोड इंशाल्लाह कर देने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करूँगी। आप वहाँ पे अपने सवालात रखिएगा, मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर से मुतल्लिक आपको सवालात के जवाबात दूंगी। तो आप मेहरबानी फरमा के जो सवाल आपके जहन में आए, जो उलझन आपको तंग करे, उसको अलग से नोट कर लीजिए। अगर कोई लफ्ज़ सुनने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लिख कर, वैसे मैं आपको लिख कर नोट्स भी शेयर कर दूँगी। पहला शेर है, देख तो दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये शेर आपने देखा कि कितनी सादगी से, कितने सादा और आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मीर तकी मीर ने कितना बड़ा शेर तख्लीक किया है। अब इस शेर में पहलूदारी मौजूद है। पहलूदारी का क्या मतलब होता है?
जब किसी शेर को पढ़ के उसका नफ्स मज़मून एक से ज़ायद तरीक़ों से आप पर खुले, यानी दो या दो से ज़ायद तरीक़ों से आप पर उसका नफ्स मज़मून वाज़े हो, आपको लगे कि इसके दो या दो से ज़ायद मफाहीम निकल सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस शेर में पहलूदारी का उनसर मौजूद है। अब पहला मफहूम इस शेर से क्या निकाल सकते हैं आप, आपको क्या समझ में आता है? देख तो दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। एक तो इस शेर में तहय्युर की फ़िज़ा मौजूद है, तहय्युर कहते हैं हैरत को। दूसरा, इस शेर में एक सवालिया रंग मौजूद है कि उन्होंने सवाल किया है कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है, यानी मीर तकी मीर जो हैं वो अपने महबूब से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें मेरे दिल या मेरी जान से कोई धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, क्या तुम्हें मेरी रूह से कोई धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, यानी मैं जो दुख दर्द और आलाम झेल रहा हूँ उसकी वजह से जो आग मेरे अंदर लगी हुई है, जो दुखों की आग मेरे अंदर जल रही है, क्या उसमें से उठता हुआ कोई धुआं तुम्हें दिखाई दे रहा है। दूसरा पहलू ये निकलता है कि मीर तकी मीर अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं कि ऐ मीर, तुम अपने ज़िंदगी के झमेलों से निकलकर ज़रा अपनी ज़ात पर गौर करके देखो कि दर्द व गम के वफूर से, वफूर कहते हैं किसी चीज़ के वाफिर मकदार में होने को, बहुत ज़्यादा होने को, कि तुम ज़रा गौर करो कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो कहीं जल कर भस्म तो नहीं हो गई। यानी वो अपने आप से ये पूछ रहे हैं कि दुनिया के तमाम तर मसाइब को और तमाम तर उलझनों को एक तरफ रख के ज़रा अपनी ज़ात पर गौर करके देखो कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह और तुम्हारी जान कहीं इन दुखों की आग में जलकर खाकिस्तर तो नहीं हो गई, कहीं तुम जलकर राख तो नहीं हो जाओगे। ये जो धुआं उठता चला जा रहा है, क्या ये तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारे दिल और तुम्हारी जान के साथ जलाकर ख़त्म तो नहीं कर देगा? ठीक, दूसरा पहलू आपको यकीनन समझ आ गया होगा। तीसरा पहलू इस शेर से ये निकलता है कि किसी गैर आदमी ने मीर के महबूब को दावत फ़िक्र देते हुए कहा कि ज़रा गौर करो, ज़रा तवज्जो करो, अपने महबूब की ख़बर लो जाकर कि तुम्हारे आशिक के दिल से धुआं उठ रहा है, ज़रा गौर करो ये धुआं जो है उसकी रूह से उठ रहा है या उसकी जान जो है वो जलने के अमल से गुज़र रही है। अच्छा, अब ये बात यहाँ समझने और गौर करने के काबिल है कि बेशक धुआं जो है वो अलामत है इस बात की कि कहीं आग लगी हुई है। यहाँ पर लकड़ियों से जलने वाली आग मुराद नहीं है, यहाँ पर दुख दर्द और अज़ियतें झेलकर किसी इंसान का दामने दिल जल जाने की बात है, और धुएं से मुराद जो है वो बुझे हुए कोयलों या आग से उठने वाला धुआं नहीं है, बल्कि किसी के चेहरे के तासुरात और उसकी आंखों में जो नमी आ जाती है उसमें नज़र आने वाली तकलीफ़ या गम के तासुरात हैं। ठीक, अच्छा, अब जो है मीर तकी मीर का एक और शेर इस हवाले से काबिले गौर है कि उन्होंने कहा था, दुनिया ने हादसा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वही लौटा रहा हूँ मैं। यानी मीर तकी मीर ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अज़ियतें झेली हैं, जो दुखों का एक अम्बोह मेरे सामने मौजूद है, उसको झेलते झेलते मैंने अपनी उम्र काट दी है, तो मेरी रूह, मेरा जिस्म जो कुछ झेल रहा है, मेरा चेहरा, मेरी आंखें भी उसी के तर्जुमान हैं, मेरी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज उन्हीं दुखों के तर्जुमान हैं कि जो मैंने झेले हैं। दूसरे शेर की तरफ आते हैं हम। दूसरा शेर है, गौर किस दिल जले की है ये फलक,
शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि क्लासिकी अदबी रिवायत में या क्लासिकी शेरी रिवायत में फ़लक यानी आसमान को मुखातिब करने की रिवायत बड़ी पुरानी है। आसमान को मुखातिब करके शेर कहने का सिलसिला बड़ा पुराना है। इसके पीछे एक रमज़ की बात यह है कि क्लासिकी जो शायर हैं हमारे, वो आसमान को तकदीर का इस्तारा समझते हैं। उनका कहना और मानना ये है कि जिसका आसमान जो है वो दोस्त है, इसका मतलब ये है कि उसकी तकदीर अच्छी है, यानी उसके सितारे अच्छे चल रहे हैं, और जिसका आसमान दुश्मन हो गया उसकी ज़िंदगी जो है वो दुखों का की आमाजगाह बन जाएगी, क्योंकि उसके सितारे गर्दिश में होंगे। अब चूंकि सितारों का ताल्लुक आसमान से है और सितारे आसमान पर होते हैं, तो इल्मे नुजूम की तरफ भी ये एक तरह से इशारा है। तो इसलिए मीर तकी मीर ने यहाँ पे फलक को मुखातिब करते हुए शेर कहा है। मैं दोबारा से इस शेर को पढ़ती हूँ। गौर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। अब मीर तकी मीर जो है वो फ़र्ज़ कर रहे हैं कि मरने के बाद वो अपनी कब्र में दफन हो जाने के बाद आसमान को देख रहे हैं और आसमान से मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि ए फलक, ए आसमान, आखिर ये किस दिल जले, किस मुसीबतों के मारे हुए शख्स की कब्र है। गौर कब्र को कहते हैं। आखिर ये किस पुरदर्द आदमी की कब्र है कि जहाँ से उसके मरने के बाद भी दर्द और गम का शोला लपकता हुआ दिखाई देता है कि हर सुबह उसकी कब्र से एक नया शोला, दहकता हुआ शोला, सुलगता हुआ शोला निकलता है जिसकी लपक आसमान तक जा पहुँचती है। तो आसमान तो ये मंज़र देख रहा है ना कि हर सुबह एक आदमी की कब्र से किसी दुख, किसी अजियत का शोला निकल रहा है। यानी वो ये समझते हैं कि मरने के बाद भी इस दुनिया में उठाई जाने वाली तकालीफ का दर्द जो है वो उनके साथ रहा, और मरने के बाद उनकी कब्र से हर सुबह एक शोला नमूदार हो रहा है। यानी आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि मीर तकी मीर का ये मानना और ये कहना है कि जब मैं मर जाऊंगा तो चश्मे फलक ये नज़ारा देखेगी कि मेरे मरने के बाद भी मेरी तकालीफ जो है, मेरी आजमाइशें कम नहीं होंगी, बल्कि मेरे झेले हुए दुख जो हैं उनका दर्द आसमान तक जाएगा। अब यहाँ पर शोले से क्या मुराद है कि कौन सा शोला निकल के जाएगा? क्या खुदा न ख्वास्ता उनकी कब्र में कोई आग लगी हुई है जिसमें से चिंगारियाँ लपकती हुई आसमान की तरफ जाएंगी? ऐसा नहीं है। यहाँ पर शोले से मुराद मीर तकी मीर की वो आहोबुका, वो नाला व फरियाद है, वो आहें हैं जो वो अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए करते हैं, वो आहोबका जो अब उनकी तकलीफ़ की वजह से निकलती हुई नज़र आती है, या वो फरियाद जो कोई आदमी अपनी अपने दुख और दर्द से तंग आकर करता है, वो रोना जो कोई आदमी अपने दुखों का रोता है, उससे मुराद है यहाँ पर कब्र से शोला लपक कर आसमान की तरफ जाना। अच्छा, अब ये जो शोले उनकी कब्र से लपकते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे मुराद ये भी है कि जो लोग देख रहे हैं उनकी कब्र को, उनके मरने के बाद जो लोग उनकी कब्र को देखेंगे तो उनको पता चलेगा, या वो तमाम अशिया जो आंखें रखती हैं और मीर तकी मीर की कब्र को देख रही होंगी, उनको ये पता चलता रहेगा कि इस कब्र में कोई गमगीन आदमी दफन है जिसकी तकालीफ जो हैं उसके मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ता क़यामत उनका ये ज़ख्म ताज़ा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बाज़ दुख और तकालीफ ज़िंदगी में हम ऐसी झेलते हैं कि जिनका दर्द मरते दम तक कम नहीं होता, और हमें क़यामत तक के लिए ये मलाल रह जाता है कि काश ऐसा ना हुआ होता या फिर काश ऐसा हो जाता।
मीर तकी मीर की ज़िंदगी जो है वो इस तरह के बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है कि जब उन्होंने ज़िंदगी की बेसबाती को, अलमनाकी को, ज़िंदगी की जो है वो मुनाफ़िकाना रवैयों को और इस तरह के तर्ज़ अमल को देखा कि जो मीर जैसे हसास शख्स के साथ होना मुनासिब नहीं था। मीर जैसा हसास आदमी इस तरह के रवैयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। तो अब उनका मानना ये है कि मैं क़यामत के रोज़ इन तमाम दर्द व आलाम को शिकवों की सूरत में खुदा की बारगाह में पेश करूँगा और मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं आया, मैं अपने इस दर्द को झेल नहीं पाया, बल्कि मैं इन दुखों का बोझ अपने साथ कब्र में ले गया हूँ। इब्राहिम ज़ौक ने एक शेर कहा था, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये शेर मीर तकी मीर के इस शेर की तशरीह में आप लिख सकते हैं। ये शेर मीर तकी मीर की हालत पर सादिक आता है। तीसरे शेर की तरफ हम आते हैं। खाना ए दिल से जिनहार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है। जिनहार का मतलब है हरगिज न जा, हरगिज, जिनहार का मतलब है हरगिज़। और ये कलमाए तंबीह है, जैसे आप किसी को तंबीह करते हुए कहते हैं ना कि ऐसे मत करो, ये ना करो, जैसे आप किसी को ख़बरदार करने के लिए कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे कभी मत करना, यूँ कभी नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के जुमलों को आप कलमाए तंबीह कहते हैं। अब शायर ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब, तू तो मेरे दिल में रहने वाला है, यानी महबूब जो है वो अपनी मर्ज़ी से आशिक के दिल में क़याम पज़ीर था। अब ये जुमला मैंने क्यों बोला, जब आप अपना दिल किसी को देते हैं तो उसकी दो सूरतें होती हैं, एक यकतरफ़ा मोहब्बत और एक उस वक्त जब आप ख़ुद भी अपने महबूब के आशिक होते हैं, यानी आपका महबूब आपका आशिक है और आप अपने महबूब के आशिक हैं, जिसे आप दो तरफ़ा मोहब्बत भी कह सकते हैं। अब इस शेर को आप दो तरीक़ों से पढ़ें तो इसके दो मुख्तलिफ़ माने निकलेंगे। एक तो ये कि मीर तकी मीर जो हैं वो तंबीह कर रहे हैं कि मेरे दिल से तुम मत जाना, तुम मेरे दिल से अगर चले जाओगे तो मेरे पास रहने सहने और जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मेरे दिल का मकान खाली हो जाएगा, यानी अगर मेरे पास मेरा महबूब ही नहीं रहेगा तो मेरे पास जीने की हिम्मत नहीं रहेगी, हौसला बाकी नहीं रहेगा। और दूसरा पहलू ये निकलता है कि ये जो मेरा दिल है ना, ये एक हसास आदमी का दिल है, ये एक आशिक का दिल है, ये एक पुरखलूस आदमी का दिल है, ये बड़ा खूबसूरत मकान है, तो इस तरह के खूबसूरत मकान को छोड़कर जाना तुम जैसे महबूब को जेब नहीं देता। यानी कोई ऐसे मकान से उठता है, यानी इतने खूबसूरत मकान से कोई कैसे उठ के जा सकता है। एक तो ये सवालिया अंदाज कि क्या तुम इतने खूबसूरत मकान को छोड़ के चले जाओगे, क्या इतने प्यारे घर को भी कभी कोई छोड़ के जाता है, तुम्हें मुझसे या मेरे दिल से कोई उंस या कोई मोहब्बत, कोई लगाव कभी नहीं हुआ कि तुम इसको इतने खूबसूरत अच्छे मकान को छोड़ के चले जाओगे, गोया मेरे दिल को छोड़ के जाने के बाद तुम्हारे पास कोई और जगह बाकी रहेगी, या तुम्हारे पास मेरे दिल के मकान से भी ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह है क़याम पज़ीर होने के लिए। एक पहलू, और इससे पहले हमने क्या बात की कि वो तंबीह कर रहे हैं कि इस तंबीह में एक इल्तजा भी मौजूद है, क्योंकि आशिक जो है वो उसका दिल हमेशा अपने महबूब के सामने कासे की तरह फैला रहता है कि ऐ महबूब मेरे दिल को छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे जितनी मोहब्बत करता हूँ तुम्हें वो प्यार, वो मोहब्बत, वो खुलूस, वो इल्तफात कहीं और नहीं मिलेगा।
चौथे शेर की तरफ हम आते हैं। नाला सर खींचता है जब मेरा, शोर एक आसमां से उठता है। अच्छा, अब इस शेर में भी उन्हीं तमाम दर्दों, दुखों और आलाम का जिक्र है जो हम जिनकी बात हम पिछले तमाम अशार में कर चुके हैं। नाले से मुराद क्या है? नाला कहते हैं फरियाद की आवाज़ को। सर खींचना से क्या मुराद है? यानी जब मीर तकी मीर पर दर्द का, गमों का वफूर इतना ज़्यादा हो जाए कि वो आहोजारी करने लगें, यानी जब उनकी तबीयत पर आहोजारी और गम को बयान करने की कैफियत तारी हो जाए तो उसको कहेंगे कि नाला सर खींच रहा है। मीर का ये कहना है कि अपने दर्दों, दुखों और आलाम की वजह से, अपनी मुसीबतों और आजमाइशों की वजह से जब मैं आहो बका करता हूँ, जब मैं अल्लाह के सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ और फरियाद करता हूँ तो मेरी वो आहें आसमान भी सुनता है। यानी मेरी आवाज़ इतनी पुर दर्द, पुर सोज और पुर असर हो जाती है कि मेरी वो आहो बका, उसकी आवाज़ जाकर आसमान तक पहुँचती है। अब आप इस बात को समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि दुआ आसमान पर जा पहुंची तो इसका मतलब ये है कि दुआ खुदावंदे करीम की बारगाह में पहुंच गई। अब यहाँ पर दुआ की बात नहीं हो रही, नाले की बात हो रही है, यानी फरियाद करने की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि मैं जब शिकवा कुना होता हूँ, जब मैं दुनिया के दिए गए दुखों पर शिकवा कुना होता हूँ, अपने महबूब का शिकवा करता हूँ या उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे अज़ियतें या तकालीफ पहुँचाई या मेरी क़द्र नहीं की, मैं इन तमाम तकलीफ़ दे हालात वाक़ियात का जब रोना रोता हूँ तो ये मेरी आहोजारी जो है वो जाकर आसमान तक पहुँचती है, वो फलक तक पहुँचती है और आसमान खुद मेरे इन दुखों और दर्दों का राजदार बन जाता है। यानी एक हसास आदमी जो है वो किसी भी तौर अपने इल्म, तजर्बे, मुशाहिदे की बिना पर अपने आप को शेर कहने में मसरूफ़ रखने के बावजूद भी इंसान होने की कैफियत से बाहर नहीं निकल सकता। एक आदमी, एक इंसान को जिस तरह कोई दुख, दर्द या तकलीफ़ महसूस होती है, एक शायर को भी दुख, दर्द या तकलीफ़ उसी तरह महसूस होती है। और आदमी शायर हो या ना हो, जब भी वो आहो बका करेगा, जब भी वो नाला व फरियाद करेगा तो वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचेगी। तो मीर भी इस शेर में यही कह रहे हैं कि जब भी मैंने अपने दुखों, दर्दों और तकालीफ से तंग आकर आहो बका की तो वो आसमान तक जा पहुँची। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चारों अशार जो हैं इनकी शरह समझ में आई होगी। अगर आप में से किसी ने इन अशार के बारे में कोई सवाल पूछना है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको इनका जवाब दूंगी। आप इन अशार को गौर से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस गज़ल के बाकी अशार, बच रहने वाले जो चार अशार हैं, उनकी शरह पढ़ेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।